हमारे हेल्दी स्नैक्स बनके तैयार हैं इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनेंगे। और ये हमने टोमेटो सॉस रखा हुआ है, तो आप लोग देखिए। ब्रेड की एकदम नई स्नैक्स बनाने के लिए हमने, चाहे आप इवनिंग में ब्रेकफास्ट बनाएं या मॉर्निंग में बनाएं और बच्चों के टिफिन में भी रखें, सारे लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, उसके लिए मैंने ये एक गाजर ली हुई है छोटी सी, इसको मैंने महीन महीन पीसेस में ऐसे कट किया है, ज़्यादा मोटा नहीं। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी मटर है, एक शिमला मिर्च है, दो कटी हुई हरी मिर्च है, और ये एक प्याज है चॉप किया हुआ, और ये जो हरी वाली ग्रीन वाली प्याज आती है तो वो है, और इसके साथ ही दो टमाटर हैं और ये हरी धनिया है। तो आप जो भी चाहें वो आप सब्जी ले सकते हैं। और इसके साथ ही ये कटोरी बेसन है छोटी कटोरी में, तो जैसे लोग हों वैसे अकॉर्डिंग आपको कितना बनाना है, मैंने इस कटोरी से बेस्ट किया था, आपको कितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो अब हम इस बेसन में मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे एक पिंच हींग का, इसे ये हमारे हेल्थ के लिए सही रहता है, डाइजेस्ट वगैरह के लिए। तो अब हम बेसन को पतला घोलते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, तो हम पहले बेसन को घोल लेते हैं। देखिए हमने बेसन खोल लिया, और ये बेसन इस कंडीशन में है, ऐसे इतना पतला है ये बेसन, और इसमें हम बहुत थोड़ा सा कुछ जीरा मिक्स कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो मिक्स करें या तो ना मिक्स करें। इसके साथ ही अब हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियां ऐड कर देंगे, इस तरीके से सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे इसमें हम। तो ये देखिए हमने सारी सब्जियों को ऐड कर दिया, और अभी इसमें हरी धनिया ऐड करना रह गया है, तो हम इसमें हरी धनिया ऐड कर रहे हैं। तो अब ये देखिए आप, ये इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखें सारी सब्जियां हमने मिक्स कर दी हैं, और ये इस तरीके से ये बैटर तैयार हुआ है ऐसे, तो ऐसे ही आप लोगों को तैयार करना है। चलिए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये हमने कुछ ब्रेड ली हुई है इस तरीके से, और ये मैंने तिवाई रखी हुई है जिसमें हम लोग रोटी बेलते हैं चकले पर, और आप लोग ये पर भी कट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ब्रेड को हमें इस तरीके से स्क्वायर में कट करना है चारों साइड से, तो हम सारी ब्रेड्स को कट कर लेते हैं ऐसे। हमने एक तवा लिया है, इसको रख दिया है गर्म होने के लिए, और हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। एक्चुअली ग्रीसिंग वाले उसका ब्रश का मेरे ब्रश आगे खराब हो गया है, तो इसलिए अभी ब्रश नहीं है, तो मैं इसे इस तरीके से ग्रीस कर लेती हूँ। तो ब्रेड साइज को इस तरीके से कट करना है, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से हमको कट करना है ब्रेड को, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने ब्रेड्स कट करके रखी हुई है, ये देखिए इस तरीके से मैंने कट करके ब्रेड रखी हुई है, तब तक हमारा तवा भी गर्म हो गया है। तो हमें करना क्या है कि हमें इसको इस तरीके से रख देना है पकने के लिए, और गैस काफी हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। और हमने जो ये बेसन का घोल तैयार किया है, इसको हम लेकर के ब्रेड के अंदर डालेंगे इस तरीके से, और हम इसमें डालेंगे इस तरीके से, और इसके साथ ही ये जो ब्रेड का कटा हुआ पीस है, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे, और इसको हम धीमी गैस में पकने देंगे इस तरीके से। धीमी गैस में ही हमें पकाना है, ताकि हमारे बेसन का घोल है, जो हमारी सब्जी है, वो अच्छे से पक के रेडी हो जाए। तो इसको हम धीमी गैस में लगभग में हाफ से वन मिनट के लिए इसको पकने देंगे। लगभग 30 से 40 सेकंड हो चुका है इसको धीमी गैस में पकते हुए। हमें क्या करना है कि इसमें ऊपर साइड में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और इसको हम भर देंगे, ऑयल इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ा सा चिपके ना, इस तरीके से। हमें इसको धीमी गैस में ही पकाना है, तो हम इसको पलट देते हैं। वाओ, ये देखें, ये हमने ये पलटा है, तो इस साइड में केवल ये बेसन है, ये जो है ये पूरा कटिंग है चारों साइड से, और इस साइड में केवल बेसन है। ये पकने के बाद में कुछ इस तरीके से हो रहा है, और बैक साइड में इसके ब्रेड है। अभी उधर से सिक जाए तो फिर हम उधर से भी पलट के आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा दबाते हुए सेक लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से सिक जाए। तो ये देखें, इधर बेसन है और इस साइड में ब्रेड है, तो ब्रेड की साइड से ऐसे सिकेगा और बेसन की साइड से वैसा। तो ये हमारा बनके तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं, और एक आपको और दिखा देते हैं कैसे बनाना है। तो ये हमने ग्रीस कर लिया, इसमें हम ये कटी हुई ब्रेड की किनारी को इस तरीके से रखेंगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है, तो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के साथ की हमेशा जरूरत रहेगी। तो इस तरीके से हम इसमें फिल कर देते हैं जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है, और इसके ऊपर से हम इस तरीके से रख देते हैं। तो इसको ज़्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है, अभी जैसे ही ये पकता जाएगा अपने आप ही होता जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये रख दिया है, अभी ये सही से हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब हम इसको पकने देते हैं 30 से 40 सेकंड के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमें इसके ऊपर भी ग्रीसिंग कर लेना है, और अब हम इसको पलटेंगे। लगभग में 40 मिनट हो गया है, पकने वाला है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, हमें धीमी गैस में ही इसको पकाना है। तो ये इस तरीके से पक के तैयार हुआ है, बेसन की साइड से ऐसा है और ब्रेड की साइज से इस तरीके का है। तो अब हमारा ये बनके तैयार हो गया है, तो हम इसको पीस से कट कर लेंगे। आप लोग जैसा चाहें वैसे कट कर सकते हैं, तो अब हम इसको पीस से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए कितने ही अच्छे तरीके से ऐसे कट कर लिया है इसको हमने, इसी तरीके सारे पीसेस हमें कट कर लेना है। हमारे हेल्दी स्नैक्स बनके तैयार हैं इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनेंगे। और ये हमने टोमेटो सॉस रखा हुआ है, तो आप लोग देखिए।